हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हेल्दी चिस्का में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक सर्दियों का खास फल जो कि बहुत कम टाइम के लिए मिलता है, वाटर चेस्टनट यानी सिंघाड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और स्पाइसी वे में हम बनाएंगे। वैसे तो ये चाइनीज स्टाइल में मोस्टली रेस्टोरेंट में मिलता है, लेकिन आज हम इसको चाइनीज कम इंडियन स्टाइल में बनाएंगे। बहुत ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट वाला, बहुत ज़्यादा हेल्दी फ्रूट है ये। इसमें एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल है। हार्ट पेशेंट के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए, ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ज़्यादा इसमें कुछ इस तरह के विटामिन पाए जाते हैं जो कि अन्य फूड्स में नहीं मिलते हैं। तो आज हम इसी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमने लगभग हाफ के जी हमारा बॉइल्ड सिंघाड़ा लिया है। आप इसको रॉ भी ले सकते हैं, ये रॉ भी बहुत अच्छा खाया जाता है। तो हमने लेकिन इसको हल्का सा हमने बॉइल कर लिया है। ये हमने कैप्सिकम लिए हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। ये धनिया पत्ती है, ये चॉप्ड ग्रीन चिली थोड़े सी, ये हमने सीसम सीड्स यानी व्हाइट सफ़ेद तिल लिया हुआ है। ये हमने कोटिंग के लिए ये राइस फ्लावर लिया है और ये हमने थोड़ी सी मैदा ली हुई है। तो आइए हम इस रेसिपी शुरू करते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा पहले डीप फ्राई भी करेंगे, सर्दियों का टाइम है, थोड़ा सा चटपटा डीप फ्राई अच्छा लगता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हम ये देखिए हमने ये अपना चेस्टनट यानी ये लिया हुआ है सिंघाड़ा, इसको अच्छे से कोटिंग करने के लिए इसके ऊपर हम ये देखिए 1 टेबल स्पून एंड 1/2 टेबल स्पून ये हमने मैदा डाली है, रिफाइंड फ्लावर, और साथ ही ये हम 1 टेबल स्पून एंड 1/2 टेबल स्पून ही हमने इसमें ये राइस फ्लावर डाला है। आप इसकी जगह कॉर्न फ्लावर भी डाल सकते हैं, लेकिन राइस फ्लावर ज़्यादा इसे क्रिस्पी भी बनेंगे और ये थोड़ा हेल्दी भी होता है। तो हम थोड़ा हेल्दी वे में बना रहे हैं। साथ ही इसमें देखिए हम ये थोड़ी सी हम ग्रीन चिली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते हैं ना खाएं। हम इसमें लहसुन और प्याज यानी गार्लिक ऑनियन का यूज नहीं कर रहे हैं। वैसे इसमें स्प्रिंग ऑनियन बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी सी हम इसमें सीसम सीड 1/2 टेबल स्पून ये हमने ब्लैक पेपर डाला है, 1/2 टेबल स्पून ये हमने नमक, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, साथ ही इसमें हम देखिए 1 1/2 टेबल स्पून ये हमने इसमें सोया सॉस, 1 टेबल स्पून ये हमने इसमें रेड चिली सॉस का यूज किया है, थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा टेस्ट देने के लिए। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसको सबको अच्छे से हमने मसाले में और सॉस में अच्छे से कोट कर दिया है। अब आइए हम इसको फ्राई करते हैं। हम इसको रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं, इसलिए हम इसको देखिए डीप फ्राई करेंगे। तो आइए इसको फ्राई करते हैं। देखिए फ्राई करने के लिए हमने ऑयल गरम होने रख दिया है, अच्छे सा गरम हो गया है ये। अब हम इसमें ये आपस में जॉइंट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको सिंगल सिंगल एक एक करके इसको डालते जाएंगे। ये देखिए थोड़ी दूरी बनाते हुए, स्पेस लेते हुए, देखिए हमारा फ्राई हो रहा है। तब तक हम इसकी सॉस भी तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारे वो जब तक फ्राई हो रहे हैं, हम तब तक सॉस इसकी तैयार कर लेते हैं। देखिए सॉस तैयार करने के लिए हमने एक कढ़ाई रख दी है, इसको भी साथ साथ चेक करते जाएंगे क्रिस्पी होने तक। इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। देखिए इस पैन में हम और थोड़ा सा इसमें हमने ऑयल डाला है, साथ ही देखिए जिस हमने वॉल में इसको मैरिनेट किया था इसी में हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको इसी की ही ग्रेवी तैयार कर लेंगे, इसी का ही हम यूज करेंगे मसाले का। क्योंकि अच्छे से फ्राई हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं, इनको उलट पुलट कर देते हैं और बढ़िया से हमारे चेस्टनट फ्राई हुए हैं। इसको हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में क्रिस्पी बनाएंगे। इधर हमारी ये पैन तैयार हो गया कढ़ाई, इसमें हम सबसे पहले हम चिली गार्लिक का यूज नहीं करते। वैसे आप इसमें ओनियन, स्प्रिंग ओनियन, चिली गार्लिक का यूज करें तो बहुत अच्छा बनता है ये। थोड़ी सी ये हमारी हमने चॉप चिली डाली है, इसको अच्छे से स्प्रिंकल होने के बाद ये देखिए हमने थोड़ी सी इसमें ये हम इसको हेल्दी वे में बना रहे हैं।
साथ ही इसमें हम ये थोड़े से कैप्सिकम इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। इसी से पर आप अगर ओनियन और गार्लिक का यूज करना चाहें आप कर लें। इसी स्टेज पर ये देखो हमारा जो बोल था इसी में हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसी मसाले को हमने इसमें यूज कर दिया है। सबको इसमें डाल देंगे। साथ ही अब हम इसमें थोड़ी सी ये सोया थोड़ी सी ये रेड चिली अच्छा सा सॉस बनाएंगे। साथ ही इसमें हम ये चिली फ्लेक्स का यूज कर रहे हैं। हमारे चाय स्नैक तैयार हैं। इनको हम साथ के साथ ये हमारी सॉस भी तैयार है। इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल अलग फ्लेवर के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत ज्यादा चेस्टनट बहुत ज्यादा हेल्दी फ्रूट है। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और गरम गर्मा गर्म इसको सर्व करेंगे। देखिए अभी आप हम इसको सर्व करके भी दिखाते हैं। ये सभी सॉस में कोट हो गई है, ये अच्छे से कोटेड है। इसी स्टेज पर थोड़ा सा ये हम हरी धनिया पत्ती ये देखिए अब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं आपको। ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको प्लेट करते हैं। ये अभी हमारे वाटर चेस्टनट्स जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं बनकर बिल्कुल तैयार हैं। इस पर हम थोड़ा सा ऊपर से हल्के से ये स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स टोटली ऑप्शनल है, थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल न्यू स्टाइल में बनकर चेस्टनट तैयार हैं जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी हैं और अमेजिंग टेस्ट है। जरूर ट्राई करें और बताएं कि आपको ये हमारी न्यू रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।